नमस्कार आदाब दोस्तों, आज हम लोग एक रेसिपी बना रहे हैं। वो है चिकन रेसिपी और वो सबसे बहुत ज़्यादा ही ऑथेंटिक और बहुत इजीली बन जाने वाला चिकन है। और जो है इसमें रॉन्ग होने का कुछ चांस नहीं रहता, जब भी आप बनाएंगे बहुत टेस्टी ही बनेगा। तो इसके लिए हमने ले लिया है 1 kg चिकन और जो है अराउंड 600 grams ऑफ अनियन हमने लिया है। हम इसे छील के चॉप कर लेंगे अनियंस को पहले। फ्रेंड्स देखिए, ये अनियन को हमने चॉप कर लिया है और जो है हमने इसके साथ रखा है ये कार्डमम और ये है सिनेमन, ये वाला ब्लैक कार्डमम और रेड चिली, ये सब भी इसके साथ हम लोग रखते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने मस्टर्ड ऑयल को वॉक में या कढ़ाई में इसे हमने गरम कर दिया है और इसमें जो हम लोग ने अनियंस को चॉप किया था वो अनियंस हम इसमें डाल रहे हैं। ये रेड चिलीज जो हमने 2 pieces था वो डाल दिया हमने, फिर ये हमने सिनेमन, कार्डमम, ब्लैक कार्डमम, सब हर चीज़ हमने इसमें डाल दिया। बस हल्का सा ज़रा सा प्याज हमने बचा लिया है और इन सब मसालों को जो है हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो हम लोग इसको पहले फ्राई कर लेते हैं, अनियंस और ये गरम मसाले और रेड चिली सभी को हम लोग फ्राई कर लेते हैं पहले। ये देखिए अनियंस हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब हम लोग इसे जो है मिक्सी में निकाल के इसे ठंडा करके पीस लेंगे। सिर्फ अनियंस नहीं थे इसमें, गरम मसाले और 2 सूखे लाल मिर्च भी थे, वो आपको याद ही होगा। तो हम लोग इसे ऐसे ऑयल को ड्रेन आउट करके इसे हम मिक्सी में डाल के पहले ठंडा होने देंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसे पीस लेंगे। जो बचे हुए अनियंस हैं उनको भी हम ऑयल में डालेंगे और इसे जो है हम लोग हल्का सॉटे करेंगे, फुली फ्राई नहीं करेंगे जैसे इससे पहले हमने किया था, वो नहीं करेंगे। बस हल्का सा सॉटे करेंगे, फिर इसमें हम लोग कुछ मसाले मिलाएंगे। अनियंस को देखिए हमने हल्का सॉटे कर लिया है, कलर चेंज नहीं हुआ अनियन का, बस थोड़ा अनियन सॉफ्ट हो गया है। इसी स्टेज पे हम लोग जो है ये हमारा जो गोश्त है चिकन वो हम लोग डाल देते हैं। चिकन डाल के हम लोग थोड़ा ऑयल में इसे भून लेंगे हल्का, उसके बाद हम लोग इसमें सारे मसाले मिलाएंगे। हम लोग ये देखेंगे कि कम से कम ऑयल से चिकन थोड़ा सा कोट हो गया, उसके बाद हम लोग ये बाकी के मसाले इसमें डालेंगे। चिकन देखिए कुछ फ्राई हो चुका है विदाउट मसाले, सिर्फ ऑयल में। इसके बाद हम लोग डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए हम लोग जो है मसाले इसमें डाल चुके हैं, मिर्च, रेड चिली डाला है 1/2 teaspoon, क्योंकि 2 red chilies हमने प्याज के साथ भी रखा हुआ वो भी डालेंगे। फिर हम लोग जो है धनिया या कोरिएंडर 1 teaspoon और ये देखिए काली मिर्च
यानी ब्लैक पेपर पेपर और जीरा यानी क्यूमिन का पाउडर हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून हल्दी, और पहले मैंने बता ही दिया था आपको, लहसुन डाला था यानी गार्लिक डाला था पूरा 1 हीप टीस्पून। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे, उसके बाद ये सब डाल के हम लोग जो है इसको थोड़ा सा भून लेंगे। हम लोग इस पकने के बाद भी जो है मसालों को भूनेंगे, तो इसलिए अभी हल्का ही भूनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनते हैं। जब चिकन टेंडर हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग एक बार इसे और मतलब अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मसाले सारे कोटेड हो चुके हैं इसमें। इस स्टेज पे हम लोग थोड़ा पानी इसमें डालेंगे। अब हम लोग जो है इसमें वाटर डालते हैं, अराउंड हाफ ग्लास वाटर हम लोग डाल देंगे इसमें, क्योंकि हम लोग को इसे कुक करके इसे टेंडर करना है, तो इसीलिए इसमें जो है वाटर डालना ज़रूरी है। वाटर डाल के हम लोग इसको कवर अप कर देंगे। फिर हम लोग इसको कवर कर देंगे, और कवर करके हम लोग कुक करेंगे कम से कम 15 to 20 मिनट्स। पहले 5 मिनट्स तेज़ आंच पे इसे पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। अनियन जिसको हमने फ्राई करा था उसके साथ 2 चिलीज और गरम मसाले भी थे, वो ठंडा हो चुका है। चलिए इन द मीन टाइम जब तक कि हमारा चिकन टेंडर हो रहा है तब तक हम इसको पीस लेते हैं। जी देखिए चिकन जो है हमारा वो बिल्कुल टेंडर हो चुका है, और जो है इसका पानी था वो भी सूख चुका है। तो हम लोग जो है इसको थोड़ा भून लेंगे। भूनने से क्या होगा कि इसके जो मसालों का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए बिल्कुल चिकन टेंडर हो चुका है, तो इसे हम लोग जो है और थोड़ा भून लेते हैं। पानी सूखने की वजह से ये खुद ही भुना जैसा हो चुका है, बट फिर भी हम लोग इसे थोड़ा और भून लेंगे ताकि अच्छे से भून चुका है, ऑयल बिल्कुल दिख रहा है। बस इसी स्टेज पे जो है हम लोग के जो हम लोग अनियन और जो है और अब हम लोग अनियन और मसालों का पेस्ट जो है गरम मसालों का पेस्ट हम लोग इसमें डाल देंगे जो हमने फ्राई करके पीस लिया था वो, और डालने के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा और इसे भूनेंगे। हल्का सा पानी और डाल लिया है ताकि जो है वो चिपके ना, तो ऐसे हम लोग बस इसे भून के हम लोग बस वो रेडी हो जाएगा, रेडी होने ही वाला है। तो हम लोग इसे भून देते हैं, कलर चेंज हो जाएगा, अच्छे से हम लोग भूनेंगे थोड़ा इसे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए चिकन हमारा रेडी हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी है। अगर आपको इसको आप इसे राइस के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के और ग्रेवी बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको रोटी के साथ खाना है या ऐसे ही खाना है तो आप ऐसे ही खा सकते हैं इसको बिना किसी चीज़ के। ऐसे ही अगर आपको खाना है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, वरना अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो आप इस तरह से खा सकते हैं। अगर राइस के साथ खाना है तो आप जो है थोड़ा और इसमें पानी डाल के इसका शोरबा बना लीजिए। और इसी स्टेज पे हम लोग स्लिटेड ग्रीन चिली जो है वो डाल देते हैं इसमें। चिली से जो है टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है,
और चिकन जो है वो खाने के बहुत बेनिफिट्स आप लोग को जानते ही होंगे। चिकन में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है, तो अगर कोई डाइट पे है तो भी जो है चिकन आराम से खा सकता है, क्योंकि चिकन वाइट मीट में आता है। तो चिकन बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, फूड ऑप्शन है, बहुत हेल्दी फूड ऑप्शन है। तो देखिए ये रेडी हो चुका है, मैं प्लेटिंग करके आप लोग को फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए रेडी है हमारा टेस्टी एंड हेल्दी चिकन। आप लोग भी इसे बनाइए और खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये चिकन। और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय। हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। बाय बाय।